जैसे इस तरह के जो सांप्रदायिक मामले होते हैं कई बार, जैसे बाबरी वाला मामला था जी, या फिर कृष्ण जन्मभूमि वाला मामला होता है जी, तो जब ऐसे मुद्दे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में उछाले जाते हैं तो किठौर पर उसका क्या असर पड़ता है, जो आप बता रहे हैं ना सांप्रदायिक सद्भावना। किठौर में आजादी से भी पहले से हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहता है। अच्छा, यहाँ कोई किसी किस्म का कोई मामला नहीं होता, किसी किससे कोई नाराजगी नहीं होती है। हाँ। यहाँ सब प्रेम से रहना चाहते हैं और प्रेम से ही रहते हैं। यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं हुई, कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। अच्छा, ये पूरे मेरठ की बात है कि केवल किठौर की? आप किठौर में खड़े हैं तो हम भी किठौर में खड़े हैं, किठौर की बात कर रहे हैं। केवल किठौर की बात जी, किठौर की बात कर रहे हैं, किठौर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ना कि डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। योगी सरकार में आप अपने आप को क्या कैसे देखते हैं, सुविधा सुरक्षा इन सब के लिहाज से? देखिए, मेन चीज है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। इन तीनों चीजों में कोई चीज किसी के पास हो तो मुझे बताइए। रोजगार की जिस किसी के पास था उसका भी छिन गया, फुटपाथ पे बैठा है। शिक्षा को आप देख ही रहे हैं, कोरोना के नाम पे सब कॉलेज पिछले साल से भी पहले से 2 सालों से करीब करीब उत्तर प्रदेश में तो बवाल ही हो रहा है शिक्षा के नाम पे, लूट खसोट हो रही है। पढ़ाई कुछ नहीं है लेकिन कॉलेज वालों को पैसा चाहिए, तो शिक्षा भी खत्म ही है। स्वास्थ्य की कंडीशन देख रहे हो, कितनी डेड बॉडी गंगा जी में बहती हुई मिली, कितने लोग मरे, उनको दवाई नहीं नसीब हुई, उनको हॉस्पिटल नसीब नहीं हुआ, तो शिक्षा की भी कंडीशन ये है ही है। रोजगार आप देख ही रहे हैं, टाटा ऑफिस है। तो हमारा मानना तो यह है उत्तर प्रदेश से ऐसे चली जाएगी सरकार बीजेपी की जैसे गधे के सिर से सींग, ऐसे चली जाएगी। आने वाली सरकार किसकी होगी ये 12 तारीख में पता चली जाएगा आपको, 10 को नहीं, 10 को तो वो हाँ 10 मार्च को पता चली जाएगा आपको। तो इस बारे में तो हम यही कहेंगे, इसके पहले जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की वो कैसी थी? समाजवादी सरकार हो चाहे बसपा की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, इन तीनों सरकारों ने मिलकर इस प्रदेश को लूटने का काम किया है। इन 33-32 सालों में जो है ना, जो कांग्रेस ने इकट्ठा यहाँ प्रदेश में किया था उस सबको बर्बाद करने का इन तीनों सरकारों ने काम किया है। अच्छा। वो चाहे बसपा की रही हो, चाहे समाजवाद की रही हो, चाहे भाजपा की हो, इन तीनों ने उत्तर प्रदेश के गरीब किसानों को छलने का काम किया है, डराने का काम किया है। तो ये तो सरकार, हम तो अपनी तरफ से मानते हैं कि ये टाटा ऑफिस है। अच्छा, बिल्कुल टाटा ऑफिस है, हर जगह फ्लॉप रहे हैं ये लोग। अच्छा ठीक है, आप तो कांग्रेसी हैं अभी, तो ये बताइए अभी समीकरण क्या है किठौर में? आप तो तटस्थ हो गए इसलिए बताएंगे। नहीं नहीं, मैं ओरिजिनल आपकी पार्टी है ही नहीं लड़ाई में। हाँ, मैं ओरिजिनलिटी बताऊंगा। अभी प्रचार आज से शुरू हुआ है, आज से शुरू हुआ है प्रचार। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। हमारे यहाँ से किठौर से बबीता जी लड़ रही है कांग्रेस से। मैं मानता हूँ इन सब लोगों की जमानत जब्त कराएंगी, वो भारी बहुमत से जीत के जाएंगी। वो जीतेंगी? हाँ, पक्का जीतेंगी, एकदम पक्का जीतेंगी।